वहीं पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी को भारी बल मिल रहा है। आपको बता दें कि आए दिन कोई ना कोई नामी हस्ती आप में शामिल हो रही है। इसी सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी राजदीप कौर आप में शामिल हो गई। पंजाब में 2017 में आने वाले चुनाव के मद्देनजर नामी हस्तियों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की हवा सी चल चुकी है। आए दिन किसी न किसी नामी हस्ती की पार्टी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय टीम की कप्तान राजदीप कौर ने चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर आप पार्टी के संजय सिंह, सुच्चा सिंह छोटेपुर और गुरप्रीत सिंह घुग्गी, साथ ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और पूर्व SSP सज्जन सिंह चीमा हाजिर थे। गौरतलब है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मौजूदा अकाली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और पुराने अकाली कार्यकर्ता अकाली दल का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए राजदीप कौर ने कहा कि अकाली सरकार द्वारा पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं किया गया और खिलाड़ियों के लिए रखी गई पेंशन पिछले 18 महीने से वितरित ही नहीं की गई। बोला दे होना जिथे पार्टी को बल मिलेगा उथे अज की सब तो वड्डी लोड़ है, जिहदा तुसी बार बार जिक्र कर रहे सी कि नशिया का स्पोर्ट्स नाल की संबंध है। जो असी बच्चों को खेड़ा का समान प्रोवाइड करावे उन्होंने स्पोर्ट्स वाले पास उन्होंने इंसेंटिव मिलेगा तो बच्चे जोड़े है वो नशे तो दूर जाएंगे। तुम टीवी से रात देखा होगा कि दिल्ली के जेड़े बच्चे नशे। वहीं मीडिया से बात करते हुए आप नेता गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि उनके पार्टी में नामी डॉक्टर और एडवोकेट, खिलाड़ी और हर फील्ड के लोग शामिल हो रहे हैं और उनकी सरकार बनने पर हर वर्ग के लोगों का ध्यान भी रखा जाएगा। उन्होंने अकाली सरकार पर चोट करते हुए कहा कि अकाली सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सुविधा नहीं दी जा रही। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਣਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਖੇਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਮੈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। वहीं मीडिया से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और पूर्व SSP सज्जन सिंह चीमा ने कहा कि उन्हें लगता है कि बदलाव का वक्त आ चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच साडे जिहड़े स्टार खिडारी ने हॉकी टीम इंडिया दे विचों गोल्डन करन दे नाल करन उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इस तो पहला बड़े बड़े चंगे स्पोर्ट्समैन जिदा करतार सिंह जी ने, रैसलर जगदीप सिंह गिल और हरदीप सिंह, इन्होंने जिहड़ी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं समझदा कि जिहदे विच मैं भी शामिल हाँ। मैं समझदा कि जिहड़े इन्ने स्पोर्ट्समैन आम आदमी पार्टी के आए ने, जिहड़ी अज पंजाब में एक बड़ी वड्डी प्रॉब्लम है पहलिया सरकारां दे कारण कि साडा यूथ जिहड़ा वो नशे वल लग गया, तो मैं समझदा कि ये जिहड़े साडे खिडारी आए ने ये आम आदमी पार्टी के यूथ दे नाल रल के साडे यूथ विंग भी जिहड़ा बड़ा एक्टिव है ते उहदे नाल रल के जिहड़ा साडे पंजाब दे यूथ नूं बचाणगे, उहनां नूं उहनां दी एनर्जी सही चैनलाइज करके उहनां नूं खेडां वाले पासे, उहनां नूं पढ़ाई वाले पासे लाने की कोशिश करनी है, ताकि साडा जिहड़ा पंजाब है उहदी पहली शान बहाल हो सके ते पंजाब साडा जिहड़ा है बच सके। अब देखना होगा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पंजाब में किस तरह से अपनी साख बचा पाते हैं।